हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। आज हमारे साथ हैं सेबी ग्रेड ए 2022 के टॉपर्स सवर्णा। तो आज हम लोग इनसे बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी और कैसे इन्होंने सेबी 2022 को टू के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, और उनका स्ट्रैटेजी जानेंगे और देखेंगे कि क्या क्या तैयारी थी इनकी। तो हेलो, वेलकम सवर्णा, हेलो सर, थैंक यू। एंड हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसा लग रहा है आपको अभी? मान लो कि सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हो आप? द फीलिंग इज अमेजिंग। आई फील ब्लेस्ड, आई फील प्रिविलेज्ड, एंड देयर इज सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो दैट आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑनर्ड मी विद दिस सिलेक्शन। और ये आपका फर्स्ट जॉब है? ठीक यस सर, है, तो आप मतलब ये आपका कितना अटेम्प्ट था सेबी ग्रेड ए के लिए? फर्स्ट सो इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट, ठीक है। इससे पहले आप मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर सिर्फ सेबी के ही कर रहे थे? नो सर, आई रिसेंटली क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक इन ओके सितंबर 21 आई क्वालिफाइड, ओके एंड देयर आफ्टर आई हैड सेबी इन माय माइंड, सो या आई वाज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर सेबी। तो आपका मतलब वो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ जी सर, सो आई एम फ्रॉम आगरा। आई हैव डन माई बी कॉम ऑनर्स फ्रॉम महारानी कॉलेज जयपुर। देर साइमल्टेनियसली आई परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड आई रिसेंटली क्वालिफाइड एज आई मेंशन इन सितंबर 2021। देर आफ्टर आई हैड सेबी इन माई माइंड वन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सी ए फाइनल्स, बट माई सीरियस प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम स्टार्टेड इन दिसंबर 2021, एंड देर आफ्टर आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन सेबी एंड हियर आई एम टूडे। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आपके मतलब फादर्स क्या, फादर क्या करते हैं? सर, माय फादर वाज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आई लॉस्ट हिम बैक इन 2003। तो और जैसे कि आपकी मतलब मान लीजिए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट ये दिया था, ठीक है, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? अगर फेज वन की अगर हम लोग बात करें तो फेज वन में क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? सर, जैसे कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, सो आई हैड सर्टेन डिग्री ऑफ कंफर्ट एज फार एज पेपर टू सब्जेक्ट्स वर कंसर्न्ड। माय मेन फोकस वाज ऑन क्लियरिंग पेपर 1। So what I did was I was mainly focusing on practicing questions of quant and reasoning so as to have certain control over my timing, because this exam is all about timing, because आपको यहाँ पे कट ऑफ से ज्यादा बेसिक थ्रेशोल्ड जो है वो मीट करनी होती है। So I was practicing a lot of questions based on like the quantitative ability and the reasoning ability, and besides that करंट अफेयर्स जहाँ तक हैं आई वॉज डूइंग दोज ऑन अ रेगुलर बेसिस। दैट वॉज अ रेगुलर रूटीन फॉर मी कि करंट अफेयर्स तो करना ही है। इंग्लिश आई वॉज इन प्रिपेयरिंग बिकॉज आई हैड कम्फर्ट देयर, एंड फॉर पेपर 2 सब्जेक्ट्स आई हैड नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग कॉस्टिंग। सो माई मेजर फोकस देयर वॉज ऑन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, एंड आई ट्राइड डूइंग दोज सब्जेक्ट्स इन अ मैनर एज इफ आई एम अप्रोचिंग माई मेन्स एग्जाम। सो दैट वॉज द स्ट्रैटेजी। जैसे कि आपका, आप सीए कर चुके हो, ठीक है, तो उससे क्या फायदा मिला था? जैसे पेपर 2 में आपने जैसे बताया कि अकाउंटेंसी आपका और कॉस्टिंग आपका पहले से तैयार था, ठीक है, तो वो उस मतलब उसमें कितना फायदा हुआ आपको? सर डेफिनेटली व्हेन यू हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड तो आप पिछले 4-5 सालों से वही चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। आपका एक स्पीड होता है न्यूमेरिकल करने में, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, तो चीज़ें इजी हो जाती है ग्रैप करने को, याद करने को। इट्स नथिंग न्यू फॉर यू, बट एट द सेम टाइम यू कांट टेक दिस एग्जाम फॉर ग्रांटेड। इवन इफ यू हैव सर्टेन डिग्री ऑफ कम्फर्ट विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू डेफिनेटली हैव टू डू इट। सो आई प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, आई डिड स्टडी द मटीरियल दैट आई हैड, एंड डेफिनेटली आई डिड नॉट हैव टू गो अराउंड एंड टेक अनदर एडवाइस और समथिंग, बट यस आई हैड टू वर्क अपॉन दोज सब्जेक्ट्स ऑल्सो विच आई हैड इन माई सी ए एग्जाम, बिकॉज द अप्रोच ऑफ बोथ द एग्जाम्स इज टोटली डिफरेंट इफ यू कंपेयर सी ए एंड सेबी ग्रेड ए। यू हैव टू फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स और द माइन्यूटेस्ट थिंग्स हियर रादर दैन गोइंग डीप इन टू द थिंग्स। सो या अच्छा, और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी भी रहता है कि मान लीजिए कि अगर मान नोटिफिकेशन आती है सीएपी, सॉरी
सेबी का, उसके बाद आपको एग्जाम होता है, फेज वन का एग्जाम होता है, उसके बाद 1 महीने या 1 महीने से आपके 45 डेज आपको मिलता है फेज टू की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितने दिन पहले, नोटिफिकेशन आने से कितने दिन पहले तैयार करने, मतलब स्टार्ट कर देनी चाहिए, और क्या फेज वन और फेज टू को दोनों को एक साथ लेकर प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर अलग अलग ही कर सकते हो आप? सर, जैसे कि मैंने कहा कि आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि आप कौन से एग्जाम को कितनी सीरियसनेस के साथ अप्रोच कर रहे हैं। सो अगर आपका है कि मेरे को इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपेयर करना है, सो रादर देन वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, यू विल ट्राई टू कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज एज सून एज द नोटिफिकेशन कम्स यू विल बी इन अ पोजिशन टू जस्ट अपेयर फॉर द एग्जाम। यू विल नॉट हैव द थिंग कि मुझे अब नोटिफिकेशन आया तो अब प्रिपेयर करना है। If you have a clear focus, you'll try to keep yourself prepared. As soon as the notification comes, you can go for it. So the answer for the first question was this, and the second question, as you mentioned, जहाँ तक बात है कि दोनों पेपर में गैप कितना है और हमारे को साथ में प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, अ मेजर बेनिफिट ऑफ दिस एग्जाम इज कि आपका पेपर टू जो फेज वन का है एंड द फेज टू बोथ आर सेम, इट्स जस्ट दैट द लेवल इज अ बिट हायर इन केस ऑफ मेंस। और तो योर अप्रोच शुड बी लाइक कि फेज वन इज जस्ट अ मिरर ऑफ हाउ यू विल बी परफॉर्मिंग इन योर मेंस। इफ यू प्रिपेयर वेल फॉर फेज वन, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल, योर फेज वन वुड बी क्लियर्ड, एंड सेकेंडली यू विल गेट एन आइडिया एज टू हाउ यू विल बी परफॉर्मिंग और वेयर विल यू स्टैंड इन योर मेंस। आपको अपना पोजिशन पता चलेगा, आपको बाकी बच्चों का पोजिशन पता चलेगा कि हाईएस्ट स्कोर कितना था। यू कैन हैव एन आइडिया कि ठीक है मेन्स में भी इतना स्कोर आ सकता है, you can have an idea ki cut off kitna ja sakta hai, and you can accordingly prepare yourself for the mains. So I would definitely suggest that when you're approaching phase 1, prepare paper 2 in a manner as if you're preparing for mains. जी, जैसे कि फेज टू की अगर हम लोग बात करें तो फेज टू में दो पेपर होता है, एक तो पेपर वन आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होती है, उसके बाद आपका पेपर टू जो होता है उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। जैसे कि आपने बताया कि फेज वन आपके जो फेज वन में भी वो सारे पेपर होते हैं, जो थोड़ा सा लेवल का ही डिफरेंस होता है कि आप मान लीजिए मॉडरेट लेवल आता है फेज टू में और फेज वन में थोड़ा इजी लेवल आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पेपर वन की, यानी फेज टू की पेपर वन की बात करें, यानी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें, वहां पे क्या होता है कि टाइपिंग भी होता है, आपको ऐसे राइटिंग लिखना पड़ता है, रिपोर्ट लिखने पड़ती है और आपको टाइपिंग पे ही लिखना पड़ता है। तो क्या उसकी प्रिपरेशन कितने दिन पहले से करना चाहिए? So, जितना टाइपिंग स्पीड आपका अच्छा होगा, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर इन लेसर टाइम एंड यू विल गेट मोर टाइम टू जस्ट करेक्ट योर मिस्टेक्स। सो जितना आप प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा। माय अप्रोच वाज लाइक कि आई वांटेड टू हैव अ सर्टेन स्कोर इन पेपर वन ऑफ फेज पेपर टू ऑफ फेज वन फेज टू सॉरी दैट इज द 6 सब्जेक्ट्स पेपर। तो आई वांटेड दैट आई शुड स्कोर अराउंड 70 मार्क्स देयर। So as long as I wasn't able to score 70 marks in the mock test series, I wasn't doing descriptive preparation seriously. Like I wanted to face certain marks in paper 2, only then I would get serious about the descriptive part. Once I was having certain degree of confidence that yeah, I'm scoring around 70 marks in the mock test series, I started preparing for descriptive on a regular basis. And ऐसा नहीं है मैं दिन में दो-दो essays भी लिख रही हूँ, दो-दो paces भी लिख रही हूँ। Obviously you should टाइप एंड प्रैक्टिस, बिकॉज एग्जाम जो है वो टाइप करके होगा, हैंड रिटन प्रैक्टिस वोंट हेल्प यू देयर। एंड यू हैव टू बी अवेयर कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैड सर्टेन पीपल टू टेल मी दैट हाउ द इंटरफेस वुड बी लाइक, बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर कैन थ्रो अप सरप्राइजेस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एंड इफ इट इज योर फर्स्ट एग्जाम इट कैन प्रूव टू बी अ सेटबैक, क्योंकि आप जब अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे टाइप करते हैं तो देर इज you are accustomed to that, and when you see that interface there is a setback, yaare ye kaisa hai, and you tend to panic there. So I was fortunate enough that I was made aware of how the interface is going to be like. I appeared for mocks, descriptive mocks, and I always had this in mind ki theek hai, because the infrastructure can throw up surprises, I need to have a certain normal loss in my head ki theek hai 5 minutes should be kept separate for all of this, and I have this particular time period to complete those questions. And yeah, practice is the key for descriptive. मतलब आपको एक तो सबसे पहले दो चीजें होनी चाहिए कि ऐसे कैसे लिखना है वो तो आना ही चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस, मतलब आपका टाइपिंग स्पीड भी होना बहुत जरूरी है। Yes sir, like I'm not sure whether the paper is checked manually or like via computers, but if your grammatical errors are low,
if your spacing and all issues are proper, if your typing speed is good, definitely you can have a good score there. आपका कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए. बिसाइड्स दिस, दीज एस्पेक्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. जी बिल्कुल, और सही बात है कि अगर आपके पास कंटेंट है और अगर आप लिख ही नहीं पा रहे तो फिर पता कैसे चलेगा कि उनके पास ये कंटेंट है आपके पास. बिल्कुल सर, लाइक आई नो पीपल जिनके पास कंटेंट था बट दे डिड नॉट प्रैक्टिस एडिक्वेटली ऑन द कीबोर्ड्स, एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एग्जाम के लिए जाएं तो अपना कीबोर्ड चेक कर लें. इफ देयर इज एनी इशू विद द कीबोर्ड, आप अपने इन्विजिलेटर को पहले ही बता दें. यू जस्ट नीड टू हैव थिंग्स परफेक्ट बिफोर यू स्टार्ट द एग्जाम. और आपका जो इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया था, किस टाइप से प्रिपेयर किया था आपने उसको? सर, इंटरव्यू के लिए द मेजर थिंग दैट हेल्प मी वाज द मॉक इंटरव्यूज, एंड मॉक इंटरव्यूज के लिए इन द कोर्स ऑफ मॉक इंटरव्यूज ओनली आई गॉट टू नो कि हाउ आई हैव टू प्रिपेयर. एक सर्ट आपको टेक्निकल के लिए भी प्रिपेयर करना है, आपको अपना ह्यूमन एचआर क्वेश्चंस जो होते हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करना है, प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस. सो आई मेड माय स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. आई हैड सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस लाइक अराउंड 80 टू 100 क्वेश्चंस ऑफ एचआर एंड प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने खुद के लिए मार्क आउट करे थे, उनके आंसर्स खुद बनाए थे. एंड देन टेक्निकल एस्पेक्ट में तो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, यू हैव टू बी aware of the financial current affairs, you have to go through SEBI's website and they can ask you anything under the sky. So you have to be totally aware of everything that's going around in the Indian economy, in the global economy. So technical aspect mein to aap jitna padhe utna kam hai, and for other things you have to prepare your own question list. And in this way Abhipedia also helped me, like I had taken mock interview jo aapke the, and Abhipedia provided a customized questionnaire that was very specific to your profile, your educational qualification. So sometimes what happens is ki hum kuch cheeze skip kar bhi jaye to wo aapko samajh mein aa jati hai. Like for example, I'll just quote an example ki I thought that as far as my city or the state is concerned there won't be many questions regarding this because I'm giving exam I've given exam of SEBI, they'll be more concerned about financial aspects. So in one of the questions that was mentioned in the transcript provided by Abhipedia was state something about your city and your state, the state you belong to, the GDP and all of that state. And just because it was there in the questionnaire, I just went through the things ki theek hai meri city mein kya important hai, kya GDP hai, and it did turn up in the interview. And had it been ki maine wo nahi padha hota, so I would have been blank because I would not have had exact figures to quote there. But because I had this experience, मैंने पढ़ लिया था, I had appeared for the mock also, so that helped me there. So you can, because they can ask you anything under the sky, you should be aware. And mock interviews definitely help you because जो आपका interview लेते हैं, they are very experienced and they give you the right inputs, they give you the right insights. आप पढ़ तो खुद लेंगे, लेकिन आपकी गलतियाँ जो बताते हैं, वो सबसे ज़्यादा important होती हैं जिन पर काम करना होता है. अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो मेजर रिसोर्सेस थे पढ़ने के, वो कहाँ कहाँ से थे, मतलब किस टाइप से आपने तैयारी की थी? सो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट स्टिक टू अ पर्टिकुलर सोर्स. आई हैड मल्टीपल सोर्सेस, लाइक मैंने एक मटेरियल लिया, उसको पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट ले ले मैनेजमेंट का, देन मैंने मैनेजमेंट का जब वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, देन मैंने अलग अलग यूट्यूब सेशंस जो होते हैं, मैंने अभी पीडिया के भी यूट्यूब सेशंस अटेंड किए, उसमें MCQs डिस्कस होते थे. एंड देन आई रियलाइज कि ठीक है, मेरा सर्टेन पार्ट इज नॉट कवर्ड इन द PDF दैट आई एम रीडिंग ऑन द मटेरियल दैट आई एम फॉलोइंग. सो आई जस्ट गूगल्ड अराउंड एंड वुड आस्क पीपल कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस थ्योरी से आ रहा है. सो डेफिनेटली आई हैड मल्टीपल थिंग्स टू रेफर टू, बट आई ऑल्सो मेड माई कॉम्प्रिहेंसिव नोट बेस्ड ऑन वॉट आई वॉज कलेक्टिंग फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज, बिकॉज एट द एंड आपका अगर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स खुद का नहीं हुआ तो लास्ट मोमेंट रिविजन में प्रॉब्लम होगा. जी बिल्कुल. So that's why I prepared. For each subject, I had multiple sources and prepared my own comprehensive notes based on those. जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे 2023 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या अभी से मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आती है आपके फरवरी मार्च में, ज्यादातर होता है कि फरवरी तक आ जाती है नोटिफिकेशन सेबी का, तो अगर जैसे 5-6 महीने हैं अभी आपके सेबी एग्जाम के लिए, तो क्या बच्चों को अभी से ही प्रिपेयर करना चाहिए या फिर 1-2 महीने वेट करने के बाद भी अगर प्रिपेयर करें तो कोई दिक्कत नहीं है? सर, दैट इज वेरी रिलेटिव बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन हाउ सीरियसली दे आर अप्रोचिंग सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन. इफ दे आर हैविंग अदर एग्जाम्स फॉर लाइक
बिफोर सेबी एंड इफ दे आर मोर इंटरेस्टेड देयर तो उन्हें अलग एग्जाम पे भी फोकस करनी चाहिए, लेकिन अगर सेबी इंटायर फोकस है तो दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज सब्जेक्ट्स विच आर देयर वीकनेस, बिकॉज जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आता है अकाउंटेंसी में, कॉस्टिंग में, सो दे शुड वर्क अपॉन दोज. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, दे शुड स्टार्ट वर्किंग अपॉन सब्जेक्ट्स लाइक मैनेजमेंट, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, बिकॉज ये सब प्रैक्टिस ओरिएंटेड चीजें हैं. तो जितना प्रैक्टिस मिलेगा, जितना टाइम मिलेगा उतना अच्छा है. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ फोकस्ड यू आर फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि जितना आपके टाइम जितना मिले उतना कम है इन एग्जाम्स के लिए. यू हैव एवरीथिंग टू स्टडी एंड जितना टाइम मिले आप अपना प्रिपरेशन एंड लेवल अप करते जाएं, जितना आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है. सो डेफिनेटली दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे इफ दे आर टोटली फोकस्ड फॉर सेबी. सवर्णा, जैसे कि आपको अगर कुछ हमारे जैसे बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 के लिए, अगर उनको कुछ सजेशन देना चाहते हो आप, तो क्या देना चाहोगे? What worked for me was my passion for this organization. My crazy love for SEBI as an organization worked for me. तो आपको एक वो intrinsic या extrinsic motivation ढूंढना होगा जो आपको drive करे रोज, कि भले ही नोटिफिकेशन आए या ना आए मुझे प्रिपेयर करना है, मैं वर्किंग कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ मुझे करना है. सो जस्ट फाइंड दैट मोटिवेशन, दैट पैशन, बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज द की. वर्क हार्ड, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क, एंड एट द एंड ऑल ऑफ इट वुड बी रिवॉर्डेड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. चलिए सोना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू, आपने थोड़ा हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टाइम निकाला. आई होप इन आपके जो सजेशंस हैं वो बच्चों को मतलब वो ग्रैब करेंगे और फायदा लेंगे इनसे. एंड थैंक यू सोना आने के लिए, यहाँ पे हमारे साथ देने के लिए. थैंक यू फॉर हैविंग मी सर. थैंक्स अ लॉट. ओके.